खेसारी लाल यादव का आज एक गाना रिलीज हुआ, बाबू आओ ना। जी हाँ, ये गाना अगर आप देखेंगे तो आपको पवन सिंह के पुदीना वाले सॉन्ग की याद ज़रूर आ जाएगी। वैसे भी पवन के सॉन्ग पुदीना में जिस सिंगर ने उनका साथ दिया था, अनुपमा यादव ने, उन्होंने भी इस गाने में खेसारी का साथ दिया है। खैर, ये गाना देखने के बाद आपको खेसारी का काफ़ी दिनों बाद देसी खाटी अंदाज नज़र आएगा। वैसे खेसारी के साथ ये नया नहीं है, खेसारी इससे पहले कई बार लुंगी और गंजी में दिख चुके हैं। हाँ, पवन सिंह के लिए ये बिल्कुल नया था, पवन सिंह इससे पहले कभी ऐसे अंदाज में नहीं आपको दिखे होंगे गानों में। लेकिन अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो ये कि जैसे ही गाना रिलीज़ हुआ, खेसारी ट्रोल होने लगे। लोग कह रहे हैं कि खेसारी पवन की कॉपी तक नहीं कर पाए, गाने में वो रिदम ही नहीं बन पाया जिस तरह से पुदीना वाले सॉन्ग में रिदम बना था। रही बात कॉमेडी की, तो कॉमेडी तो हो रही है लेकिन उस पर हंसी नहीं आती है। लेकिन पुदीना वाला सॉन्ग अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ पवन और रवि पंडित, जिन्होंने पुदीना का किरदार निभाया है, वही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और किसी एक्स्ट्रा एक्टर की ज़रूरत नहीं है। जबकि इस गाने में एक्टर भरे पड़े हैं लेकिन हंसी है कि छूटने का नाम नहीं लेती है। साथ ही साथ गाने में वो लय नहीं है, वो कैचीपन नहीं है जिसके लिए आप बाबू आ आ आ को याद कर सके, क्योंकि ये अजीब सा भी लग रहा है। और वहीं उलट पुदीना वाले पर लोगों ने जमकर पवन सिंह की तारीफ की है और उस कारण खेसारी ट्रोल हो रहे हैं कि वो कभी भी पवन की को कॉपी नहीं कर पाएंगे। अगर कॉपी करना ही है तो किसी और को कॉपी करे, लेकिन पवन को वो कॉपी कभी ज़िंदगी में ना करे, क्योंकि उनसे ये नहीं हो पाएगा, उनकी आवाज़ उस टक्कर की नहीं है। तो यहाँ हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो भी लोग ट्रोल कर रहे हैं खेसारी लाल यादव को, खेसारी एक बड़ा नाम है। हाँ, ये बात और है कि पवन के टक्कर में आप खेसारी को एज अ सिंगर थोड़ा कम आंक सकते हैं, लेकिन स्टारडम के मामले में खेसारी किसी से कम नहीं है। और ये बात तो खुद पवन सिंह कई बार कह चुके हैं कि खेसारी भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं। अगर आपने खेसारी का ये गाना नहीं देखा है तो आप उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल खेसारी म्यूज़िक वर्ल्ड पर जाकर ये गाना देख लीजिए और फिर हमें ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपने ये गाना देखा तो आपको ये गाना कैसा लगा। वैसे अगर आप हमसे पूछेंगे तो थोड़ा डिसअपॉइंट हम भी हुए हैं इस गाने को देख कर। इससे और अच्छा किया जा सकता था। और लोग जो ये बोल रहे हैं कि पवन को कॉपी किया गया है, तो भाई पवन को कॉपी इस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री में हर कोई कर रहा है, तो अगर खेसारी ने ही किया तो कौन सी बड़ी बात है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।